करवा चौथ पर व्रत की तैयारियों को लेकर अपनी पुरानी संस्कृति को संजोए रखे हुए कुम्हार परिवार आजकल दिन रात एक करके काम में जुटे हुए हैं। हमीरपुर जिला के नोंगी के पास पुश्तैनी काम में लगे हुए परिवार करवा चौथ के साथ साथ दिवाली के लिए भी दिए बनाने के लिए काम में लगे हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं करवा चौथ पर स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं नादौन के ग्राम पंचायत नोंगी में, जहाँ पे ये मिट्टी के बर्तन जो है वो बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि आजकल जो है वो करवा चौथ का सीज़न चला हुआ है, तो यहाँ पे जो है वो करुए बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि करुए के बीच बीच में दिए भी रखे हुए हैं, और जो कि विद स्टैंड हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में। और जो करुए हैं वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटे से छोटा भी और बड़े से बड़ा भी इन्होंने बनाए हुए हैं। बड़ी मेहनत के साथ जो हैं वो इन्होंने करुए बनाए हैं, और भी काफ़ी आइटम्स जो हैं वो यहाँ पे बनाते हैं ये। तो हम इनसे जानते हैं कि कैसे, इसकी विधि क्या है इसको बनाने की। जी, आप हमें बताएंगे कि इसको बनाने की क्या विधि है? ये तो आज की कला है, ये आज की कला, बाकी कुछ नहीं है, बस दिमाग का काम है और आज की कला है। तो ये जो आप एक दिन में कितने जो करुए हैं ये कितने उतार देते हैं, मतलब यहाँ से बना के आप? बनाई जाते एक दिन हजार करुए बन तैयार हो जाता है, करुआ करुआ। तो आप हमें ये बताइए कि जैसे आप इनको बनाते हैं, ये धूप में सूख जाते हैं या इसके बाद कुछ और भी करना पड़ता है इनको? उसके बाद पकाना पौधे, आगी से पकाना पौधे, धूपा ने नहीं सूखते, आगी से पकाना पौधे। अच्छा, तो इसमें कौन सी मिट्टी जो है आप यूज़ करते हैं? मिट्टी ताकतवर मिट्टी होती, चिकनी मिट्टी। जैसे आटा गूंद देना, जैसे इसको भी लाड़ लेना पौधी। तो जैसे मैक्सिमम ऐसी मिट्टी होती है वहाँ पे, कंकर वगैरह हो? कंकर वाली मिट्टी नहीं चलती है, कंकर वाली मिट्टी नहीं चलती। अगर उसमें मिट्टी में हो जैसे थोड़े बहुत कंकर, तो आप निकालते हो या कैसे क्या करते हैं? है कुट छान करना पौधी, तो निकालना पौधे है कंकर। इस कख में नहीं चलता, एक सिरे का बाल तक नहीं चलता। अच्छा, तो आप क्या, आपको मुनाफा लगता है इसमें की कितना? हाँ, मुनाफा पहले नहीं होता मुनाफा, हूँ तो बसेरा मुनाफा, इस पहले नहीं होता मुनाफा, हूँ तो बड़ा मुनाफा। आप कितने सालों से इसको, इस काम से जुड़े हुए हैं? 45 साल से। आपके जो मतलब पेरेंट्स थे, मम्मी पापा या बुजुर्ग थे, वो भी ये काम करते थे या आपने स्टार्ट? नहीं नहीं, हमारे दादू को लाइन करते हैं, दादू से लाइन, सारे पिछले भी सियाने करते हैं, दादू बूढ़ा सब करते हैं। तो फिर आप सिर्फ बनाते हैं और यहीं पे घर पे ही बेचते हैं या बाहर भी जाते हैं? आए अपू बेच, मेर पर बेच दे, कर घर से भी ले जाते लोग। तो आप कितना फायदा हो जाता है इसमें? इसके फायदा दिहाड़ी पे ही आती बेच, इस दिहाड़ी पहले तो कुछ कमाई नहीं, हूँ तो 10 रुपया कर को बिका दा एक। तो अभी जो है प्लास्टिक बंद होने वाली है, तो मुझे तो लगता है कि काफ़ी आपको इसका, हाँ, काफ़ी फ़ायदा हो सकता है इसमें, क्योंकि अभी प्लास्टिक के घड़े वगैरह जो होते थे वो अब मिट्टी के बनेंगे। तो प्लास्टिक का हाड़ा काम बंद करी थे ना, तो घड़े हाड़े घट लगते है, हूँ बंद हो जाए तो हूँ हाड़ा काम बड़ा बधी जाना भी, हूँ बदला काम पे सरकार है जो बंद करी थी ना प्लास्टिक, इसते भी हाड़ा काम खरा बधी जाना। तो आगे इसको, जैसे आपके बाद कौन इसको स्टार्ट करेगा? आगे जो आगे का आगे आगे लड़के ना काम कर रहे हैं इस काम को ना, अब फायदा है ना, पहले फायदा नहीं आया इस काम च, अब फायदा इस कम में च, हूँ अगे अगे तो करा दे ना, बस आहे करा दे जेड़े पिछले आदमी है ना, अगे तो चले आ रहे रो, अपना मेहनत ज़्यादा है ना इस कम की, मेहनत बड़ी है, मेहनत ज़्यादा इस कम में ना, मेहनत है तो फायदा भी है। सही बात है कि अगर मेहनत करेंगे तो उसका फल जो है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि बहुत ही अच्छे इन्होंने बनाए हुए हैं, वहाँ पे वो इनकी वाइफ ही हैं शायद, तो वो भी इनको कलर कर रही हैं, शायद इन्होंने बेचने जाना होगा। और भी काफ़ी, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि दिए वगैरह बनाए हुए हैं बीच बीच में, और ये देखिए आप यहाँ पे कि इन्होंने जो है ये इतना सा छोटा सा जो है ये बना के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं इसको कितना छोटा सा है ये, और साथ में और भी हैं, बड़े बड़े भी हैं। ये देखिए आप कि कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में, और इनको कलर हो जाएगा तो फिर तो और भी अच्छे लगेंगे ये। तो मैं, जो भी लेडीज़ हैं जो इसका करवा चौथ का व्रत करती हैं, उनसे गुजारिश करूंगी कि वो इनको
जरूर खरीदें, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ इन्होंने बनाए हुए हैं ये यहाँ पे। और भी काफ़ी आइटम्स हैं, जैसे दिवाली पे हैं तो दिवाली पे अब इंडिया में हो तो इंडिया का ही माल खरीदें तो ज़्यादा अच्छा है। क्या कर रहे हैं आप? ये रंग कर रहे। तो आप ये कलर क्यों कर रही हैं? लोगों ने अब रंग वाले लेते हैं ना। अच्छा, मतलब ये कलर करके आप बेचने जाओगे इसको? हाँ जी, बेचने जाएंगे हमीरपुर में। अच्छा, ये क्या बनाया आपने? ये ढक्कन लेते हैं करुबे के। और ये क्या है साथ में? ये ढक्कन ही है। अच्छा, करुए के ऊपर जो? हाँ जी, घड़े के ऊपर पानी के अर्ग वाला लोटू होता है ना, उस पर रखते ढक्कन। बहुत ही सुंदर बनाया आपने। और ये क्या है? ये गोलक पैसे के लिए। अच्छा, जो ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो है वो सेव करते हैं मनी, उनके लिए गुल्लक बनाई हुई है। हाँ जी, बहुत ही सुंदर बनाई है आपने। साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि इसको यहाँ पे पकड़ने के लिए भी बनाया हुआ है इन्होंने, बहुत ही अच्छा लग रहा है। डिजाइन बनाया। अच्छा, काफी अच्छा और आकर्षक डिजाइन आपने बनाया है। तो आप कितने सालों से जो है ये काम करते आ रहे हैं? काफी साल हो गए, कोई 39 का साल हो, 39 साल। अच्छा, आपकी शादी को कितने साल हो गए? 40-41 साल हो गए होंगे। जब से आपकी शादी हुई है तब से ही करी? हाँ जी, तो हमारे दादा करते थे, सास ससुर थे वो भी करते थे। जब ये काम नहीं होता था, रंग वाला नहीं होता है, ये करवा चौथ का भी नहीं होता है जब ही, तो तब क्या बनाते थे? जैसे घड़े वगैरह? घड़े वगैरह होता था और कम होता है। अच्छा, अभी तो बहुत चल रहे हैं। अच्छा, तो आपके जो मायके में भी ऐसे बनाते थे ये या नहीं? मायके में नहीं बनाते। अच्छा, मतलब आपने भी यहीं पे आके सीखा। आप भी ऐसे करुए वगैरह बनाते हो या नहीं? आप हमारे को नहीं आते। अच्छा, जो आपके हस्बैंड हैं उनको ही आते हैं सिर्फ ना? हाँ जी। अच्छा, बहुत ही सुंदर। हम मिट्टी कूटते हैं। अच्छा, रोल छान के देते हैं उनको और बाकी चुकथाया हमारी होती है। अच्छा, और डिजाइन मैंने डालने। बहुत ही सुंदर बनाया आपने, डिजाइन भी काफी अच्छे बनाए आपने। ब्याह शादियों के लिए भी लोग लेते हैं। और एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ, ये बनाया ये क्या है? ये शादी में नानू मनाक होते हैं। अच्छा, तो इसको क्या क्यों यूज करते हैं उसमें? क्यों क्या? पहले इसकी पूजा होती है। अच्छा, शादी से पहले। मिट्टी का काम लगी थी हमें 25-26 साल से। अच्छा, इससे पहले कौन बनाता था? बुढ़ा बेटा। अच्छा, कितनी उम्र? 86 साल ज्यादा, 86 साल। अच्छा, तो मतलब अपने पापे के बाद तुहे लगे बनाना फिर ना? हां, मुंडू बनांदा का। अच्छा, छोटा मुंडू बनांदा। क्या क्या बनाई लंदे तुहे पांडा? हरे एक पांडा जेड़ा दसा कोई। क्या क्या भाई नाम? काला लिया, बगुनिया लिया, जो मर्जी हरेक पांडा ला ले सकदा। आजकल क्या सीजन चल रहे थे? आज करुआ। अच्छा, तो करुआ बना दे। दिया दिया तो दिया फिर काटे कडोलियां जमैनू ठूठे। तो कितने कितने उतारी लेंदे तो है करुए? वो कितने का जवाब नहीं है, उतरला 150। अच्छा, आ तोड़े है जेडे मुंडू ने है कितने उतारी लेंदे? मैं भी ये दे तो आदर मिलती बड़ा गुन्ना गाय कुटनी है सुकवानी है छाननी है
फिर बटनी है फिर चौनी का फिर बटनी ऐसे करी हूँ अब सीखे करना तो पौना बढ़िया रोट बगैरा अंदर बार कर देने फिर रंग मिट्टी कुट्टी देनी छानी देनी फिर रंग इत्थी बेचदे तो घरे ते बेचदे की हां मीर पर घरे ते दिंदे अस अच्छा मतलब जो भी ग्राहक है वो इत्थे आके लेके जांदे हां जी हां जी केड़ी सी मिट्टी जी है यूज करदे तो इस च मिट्टी गलोड़ी दी एक ही मिट्टी यूज करदे नहीं कुछ अपने खेतां दी लाल मिट्टी दे अपने खेतां दी मिट्टी लियानी कुटनी फिर इन्हें बनाई ने रखने तो बाहर रखने अंदर रखने फिर भांडे रंग बन्नी देनी रंग करना लिखने फिर पकाई देने फिर पकड़ाने ना के ना हाँ जी तो इस जो किंग है क्या करते धुप्पा च सुकांदे सिर्फ या हाँ धुप्पा च फिर उसके बाद पे शामी अंदर रखी देने सवेरे बाहर कढ़ी देने फिर मतलब ये धुप्पा च पक्की आंदे या होंगे कुछ नहीं वो पट्ठी लग गया ना उत्थे दिंदे पकना मतलब अग देनी ना उन्हें पे इं चीनी देने ना कट्ठे करने फिर उन्हें अग देनी कढ़ाइयां बनाई लैंदे फिर अजकल कई दिहाड़ू मंगा दे दाली बनाई लैंदे फिर चिलमा बनाई लैंदे तेरे सारा समान बनाई लैंदे बाकी बच्चे नो तो काम नहीं करदे जो तुम्हारे ससुर है कितने साल पच्ची साल काम करना तो कितना टाइम हो बना पच्ची साल पी बना था 90 साल तो हो गई इन्होंने उम्र काफी टाइम हो गया बनाते